जम्मू कश्मीर के बडगाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या का मामला बढ़ता ही जा रहा है। राहुल भट्ट की हत्या के बाद से घाटी में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। कई सड़कों को हिंदू समुदाय के लोगों ने जाम कर दिया। इस दौरान 350 नाराज कश्मीरी पंडितों ने अपना सामूहिक इस्तीफा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भेज दिया। ये सभी कश्मीरी पंडित प्रधानमंत्री पैकेज के कर्मचारी हैं। कर्मचारियों ने साफ कहा कि जब तक उनको उचित सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी तब तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। कश्मीरी पंडितों ने कहा कि आतंकवादियों ने सरकारी दफ्तर में घुसकर कर्मचारी राहुल भट्ट की सरेआम हत्या कर दी, जिसके बाद से बाकी के कश्मीरी पंडित खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बता दें कि कश्मीरी पंडित लाल चौक पर आंदोलन करने की तैयारी में है। इससे पहले कश्मीरी पंडितों ने शुक्रवार सुबह जम्मू अखनूर पुराने हाईवे को जाम कर दिया था। प्रदर्शन के दौरान कश्मीरी पंडितों ने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने 8 कश्मीरी पंडितों को हिरासत में भी लिया। वहीं 4 लोग पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हो गए। विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों को एयरपोर्ट की तरफ जाने से रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहती हूँ, अगर वो एक सीधी सादी आवाम पे डंडे उठा सकती है, टियर गैसेस फेंक सकती है, मिर्ची बम फेंक सकती है, तो क्या कल वो मुजाहिद जो वहां था उसको वो पकड़ नहीं सकती थी। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्विटर पर लिखा कि राहुल भट्ट के परिजनों से मुलाकात की, मैंने उनके परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। सरकार दुख की इस घड़ी में राहुल के परिवार के साथ है। आतंकवादियों और उनके समर्थकों को उनके इस अपराध के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।